हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे गन की और गुलेल की काफ़ी सारे वीडियो देखी होगी, लेकिन फ्रेंड्स उसमें क्या है कि उसमें जो गोली लोड की जाती है वो एक बार में एक ही गोली लोड होती है, लेकिन इस बार जो मैंने बनाई है आप इसमें एक बार में दो गोली लोड कर सकते हो और आप इसे एक ही टाइम पर दो बार बारी बारी से चला सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं मिस्टर कूल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टील की एक लंबी सी पाइप ले रहा हूँ, जो हमारी पर्दे वाली जो पाइप होती है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पाइप ले सकते हो, चाहे किसी भी साइज़ की, जिस भी आपको गन बनानी हो। तो अभी मैं यहाँ पे इसे बीच में से कट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे बीच से कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा कट करूँगा कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक छोटा और एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा कट कर लिया है। अब इन दोनों को हमें एक के ऊपर एक चिपका देना है। तो यहाँ पे मैं इसे चिपकाने के लिए फेविकोल का इस्तेमाल करूँगा। तो अभी मैं इसके ऊपर रख के इसे चिपका दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, फिर इसके ऊपर मैं कील भी ठोक दूँगा ताकि ये काफ़ी अच्छे से मजबूत हो सके। तो यहाँ पे मैं कुछ कील भी ठोक दे रहा हूँ ताकि अपने जगह पे बना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ कीलें इसके ऊपर ठोक दिए हैं। तो अब हमको क्या करना है, ये जो हमारी जो मैंने पाइप कट किया था उसे हमें इस जगह पे लगा देना है, और इसके बीच में मैं एक लकड़ी का टुकड़ा भी लगाऊंगा ताकि जो हमारी पाइप है वो अपनी जगह पे बनी रहे कुछ इस प्रकार से। तो उसे मैं फ्रेंड्स बाद में लगा दूंगा, पहले मैं यहाँ पे कुछ कील ठोक लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चार कील है, तो इन चारों को मैं इसके ऊपर ठोक देता हूँ इस जगह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इन चारों कीलों को इस प्रकार से इसके ऊपर ठोक दिया। तो अभी फ्रेंड जो कील के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे मैं कट करके निकाल दूंगा क्योंकि इसका यहाँ पे यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इन चारों को कट करके निकाल दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, फिर इसे घिस के हमें चारों को बिल्कुल एक साइज़ का बराबर से कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे घिस के चारों को बराबर से कर भी दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है और फ्रेंड्स इसे बीच में मैं निशान लगा के इसे यहाँ से मैं कट कर ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से। और इसको हमको क्या करना है, इस लकड़ी के ऊपर हमें इस जगह पे चिपका देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसे फेविक्विक लगा के चिपका दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर कुछ कीले भी ठोक दिए हैं ताकि अपनी जगह पे मजबूती से बना रहे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक जिप टाई केबल ले लिया है और जो हमारी पाइप जो हमने कट की है उसके ऊपर हमें इस प्रकार से इसे लगा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने तीन जिप टाई केबल को मैं इसके ऊपर इस प्रकार से लगा दे रहा हूँ। तो अब फ्रेंड जो हमारा एक्स्ट्रा जो जिप टाई केबल है उसे मैं यहाँ पे कट करके निकाल दूंगा। अब इसके बाद मैं फेविक्विक से यहाँ इसे थोड़ा सा मजबूत कर देता हूँ ताकि ये हमारी जो केबल है वो कभी निकल ना जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आगे तीन जिप टाई केबल लगाई है क्योंकि फ्रेंड जो इसका लोड है वो आगे की ओर ज़्यादा पड़ेगा। तो आगे मैंने तीन और पीछे एक एक लगाई है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो दूसरा लकड़ी का टुकड़ा कट किया था उसे मैं आगे बंदूक के अपने इस प्रकार से लगा दूंगा ताकि ये जो हमारी जो पाइप है वो अपनी जगह पे बनी रहे, वो हिले ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अब सभी चीज़ों को इस प्रकार से लगा दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पाइप के नाप के अनुसार से एक लकड़ी का टुकड़ा कट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक निशान लगा लेता हूँ। तो हमें इस प्रकार का लकड़ी के टुकड़े पर एक निशान लगा लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने निशान लगा दिया है। तो अभी मैं इसे कट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे दो इस प्रकार का कट कर लिया है। तो अभी मैं पाइप के नाप के अनुसार ऊपर मैं गोल सा इस प्रकार का निशान लगा दे रहा हूँ और मैं इसे घिस के उसी नाप का कर दूंगा अभी। तो यहाँ पर मैं बालू वाले कागज़ से इसे घिस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों को इस प्रकार से घिस दिया है। तो अब हमको क्या करना है, इसे हमें पाइप के आगे इस प्रकार से लगा देना है। तो मैं इन दोनों को पाइप में लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों को लगा दिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इस प्रकार से ले ले रहा हूँ और इसे मैं बीच से कट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे कट कर दिया है। तो अब हमको इसको क्या करना है, इस जगह पे लगाना है। तो अभी ये आप देख सकते हो ये हमारा अंदर नहीं जा रहा है कील के अंदर, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जगह बना लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा के इसे मैं पहले थोड़ा सा नुकीली चीज़ से कट कर ले रहा हूँ बीच से और फिर
फ्रेंड्स मैं इसे जो हमारी रेती होती है उसकी मदद से घिस के मैं कुछ इस प्रकार से कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है, तो अब ये हमारा अंदर चला जा रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा इस प्रकार से कट करूँगा और उसके बाद मैं इसे यहाँ पे इस जगह पे लगा दूँगा। तो फ्रेंड्स इसको आगे पीछे आपको सेट करके इसे अपनी जगह पे सेट कर देना है जहाँ भी आपका ठीक तरह से ये वर्क करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है इस जगह पे। तो मैं यहाँ पे इसे लकड़ी के ऊपर कील ठोक के मैं इसे इस जगह पे फिक्स कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे लगा दिया है। तो अभी फ्रेंड्स मैं रबड़ का इस प्रकार का टुकड़ा मैंने कट कर लिया है जो हमारे साइकिल की ट्यूब होती है उसमें से, और यहाँ पे बीच में मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया है और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने थोड़ी जगह भी बनाई है। तो इस रबड़ को मैं इसके बीच में इस प्रकार से डाल दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स जो मैंने लकड़ी का टुकड़ा कट किया था यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऊपर थोड़ी जगह भी बना ली है ताकि हमारा रबड़ इसके ऊपर एडजस्ट हो सके। तो अभी फ्रेंड्स इसको मैं अपने जो हमारी गन बनाई है इसे मैं इसके ऊपर इस प्रकार से लगा दूंगा। और फ्रेंड्स जो हमारा रबड़ है उसे मैं इसके ऊपर से इस प्रकार से हमें इसे लगा देना है। तो अभी मैं इसे फेविक्विक से चिपका दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमें कुछ इस प्रकार से इसे चिपका देना है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैंने दोनों तरफ चिपका दिया है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ मैंने इसे चिपका दिया है। तो अभी ये कुछ इस प्रकार का हमारा एक स्विच की तरह काम करेगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे आपको चला के भी दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार से हमारा काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका एक पार्ट हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें साइकिल की जो ट्यूब होती है उसकी मदद से मैं इसे काट दे रहा हूँ। और फ्रेंड जो हमारा आगे का जो लकड़ी का टुकड़ा है जो मैंने लगाया था उसमें मैं थोड़ा सा जगह बना दे रहा हूँ ताकि हमारा जो ट्यूब है वो इसके ऊपर आसानी से लग सके, अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। तो अब जो हमारा ट्यूब है उसे हमें इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर मैं लोहे के कच्चे की तार की मदद से मैं इसे लगा दे रहा हूँ। तो हमें कुछ इस प्रकार से इसे लगा देना है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है उसे मैं प्लास की मदद से कट करके निकाल दूंगा। तो अभी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ा फेविक्विक भी लगा दूंगा ताकि जो हमारा रबड़ है वो अच्छे से अपनी जगह पे मजबूत हो सके, चलाते वक्त ये निकल ना जाए। तो इसलिए मैं फेविक्विक इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ ताकि अपने जगह पर बना रहे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें फेविक्विक लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फेविक्विक अच्छे से लगा दिया है। तो ये बिल्कुल अच्छे से अब हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप थोड़ा सा इसे घिस के देख भी सकते हैं कि हमारा मजबूती से लगा है या नहीं। तो अभी हमारा गन कम्प्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसको चलाने के लिए हमको जो हमारे कंचे वाली जो गोली होती है शीशे वाली उसे हमें इस प्रकार से रबड़ में फंसा के जो हमारे पीछे जो हमने कील लगाई है उसे हमें यहाँ पे फंसा देना है। तो ऐसे ही हमें दोनों तरफ कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक लगा दिया और इधर मैं दूसरा भी इस प्रकार से लगा दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे चला के देखते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से चले गई है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Oh.